नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास रेडमी का Y2 है, जिसमें पिन को हार्ड रीसेट करना है। कैसे हार्ड रीसेट करना है ये मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। इस ट्रिक से आप किसी भी रेडमी फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हो, चाहे वो पिन हो, पैटर्न हो या पासवर्ड, किसी भी तरीका हो। फिलहाल मेरे पास रेडमी का Y2 है, ये किसी फ़ोन में वर्क करेगा जो रेडमी का फ़ोन हो। तो हार्ड रीसेट करने में पावर की और वॉल्यूम अप बटन को, दोनों को एक साथ हमें दबाए रखना है करीब 10 सेकंड्स के लिए। जैसे ही MI का लोगो शो हो जाए तो दोनों को बटन को छोड़ देना है। फिर ये रिकवरी में बूट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे और वाइप डेटा को सेलेक्ट करेंगे और पावर की से उसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर वाइप ऑल डेटा पे रख के हम पावर की एक बार दबाएंगे। यहाँ पे कंफर्म मांग रहा है, तो वॉल्यूम डाउन और पावर की को प्रेस करके हम इसको कंफर्म कर देंगे, तो वाइप डेटा हो जाएगा। यहाँ पर डेटा वाइप सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। हम यहाँ पर बैक टू मेन मेनू क्लिक कर देंगे और इसको रिबूट कर देंगे पावर की दबा के। अब ये थोड़ा ऑन होने में 10-15 मिनट लगा, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब जो है हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, मैं इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे गूगल अकाउंट सेटअप में आ गए हैं और हमें यहाँ एक स्किप का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपको ये स्किप का ऑप्शन शो नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट डाल रखा है और उसे हार्ड रीसेट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जीमेल वेरीफाई करने को आपको बोलेगा, तो अगर आपके पास जीमेल आईडी आपको याद है तो डाल दीजिए, पासवर्ड वगैरह याद है तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको इसको जीमेल बाईपास करना पड़ेगा, यानी FRP करना पड़ेगा। तो FRP करने के लिए पहले से ही मैंने वीडियो बनाए रखी है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल हमारे फ़ोन में जीमेल अकाउंट नहीं डाला हुआ था, इसलिए ये ऑन हो गया है। सिंपल सा फ़ोन अब कम्प्लीट हो चुका है। तो वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद।